इस मुरली में बाबा बागवान के रूप में सबसे पहले अपने बच्चों को फूलों के रूप में देख रहे हैं कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और खुशबू। तो बाबा तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो रूप के हिसाब से बाबा हमारा स्मृति, हमारा स्वरूप देख रहे हैं कि कितना हमको ब्राह्मणपन, फरिश्तेपन का अर्थात ईश्वरीय नशा कितना है, अपने श्रेष्ठ पार्ट का कितना नशा है, और वो खुशी हमारे नैन चैन में कितनी दिखाई देती है। क्योंकि जो अंदर है, जो अगर कोई भावना हमारे अंदर इंटेंस रूप से रहती है, तो वो हमारे चेहरे पर, हमारी चलन में स्पष्ट दिखाई देगी ही। तो बाबा के मतलब कितना गहरा उतरा है ये नशा, ये बाबा देख रहे हैं। दूसरा, बाबा रंग देख रहे हैं। रंग अर्थात जैसे फूल का अट्रैक्शन जो होता है, वो रूप पर भी होता है, उसका फॉर्म भी होता है, लेकिन रंग भी होता है। रंग जितना सुंदर होगा उतनी ही खूबसूरती। तो यहाँ बाबा संग के रंग की बात कर रहे हैं कि कितना बाप के संग के रंग में हम आत्माएं रंगी हुई हैं, अर्थात बाप के संग का प्रभाव, ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ऊपर, हम आत्माओं में परिवर्तन कितना आया है। फिर तीसरा, बाबा खुशबू की बात कर रहे हैं। तो खुशबू में रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक हमारी सदा है। सदा अर्थात रूहानी वृत्ति और दृष्टि अर्थात एक तरह से देखेंगे तो प्योरिटी। तो जितनी प्योरिटी है उतनी ही चारों तरफ हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग अर्थात खुशबू उतनी ही दूर फैलती है या प्रभाव फैलता है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स बाबा देख रहे थे अपने बच्चों की, और देख रहे थे कि बच्चे तो जैसे अच्छे हैं, और मतलब एक बार तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे वो विशेष आत्माएं हैं, बाप दादा की नजर उन पर है, उमंग उत्साह से आगे भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर बाबा देखते हैं माया की रॉयल रूप की नजर। मतलब एक तो होता है बाप की नजर के अंदर, और दूसरा होता है माया के रॉयल रूप की नजर। तो उसका असर बच्चों पर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि ईश्वरीय नशे के बदले जो है वो दूसरे नशे, जैसे साधनों के आधार पर जो खुशी और नशा है, विनाशी प्राप्तियों का जो नशा है वो हो जाता है। यथार्थ मार्ग के बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चलने लगते हैं। अल्पकाल का सहारा देने वाली आत्माओं को ही दिल का सहारा बना लेते हैं। तो इस तरह से और उनके ही संग में उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो बाबा देख रहे हैं कि ये चेंज क्यों आता है, ये चेंज कैसे आ जाता है कि एक ब्राह्मण आत्मा, जैसे हम सभी का एक्सपीरियंस है कि शुरू शुरू में जब हम तुरंत हमने ज्ञान लिया, ईश्वरीय ज्ञान लिया, तो उस समय हमारे अंदर जो उमंग उत्साह आता है, एक नवीनता का, जो जैसे कोई धूप में, कड़ी धूप में खड़ा व्यक्ति एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में आ जाए तो उसको कितने सुकून की अनुभूति होगी, या कितना रेस्ट मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा। तो उसी तरह से हम आत्माएं भी बिल्कुल रिफ्रेश जैसी हो जाती हैं, और बिल्कुल जैसे दुख सुख में बदल जाता है, शांति और शांति अशांति शांति में बदल जाती है, इसी तरह से जैसे सब कुछ मिल गया। लेकिन उसमें उस समय जो हम हमारे अंदर याद का या ज्ञान को, ज्ञान का मंथन करने का या सर्विस का, इन सब के ऊपर जो हमारा फोकस होता है और उससे जो हमारी अवस्था श्रेष्ठ बनती है, बाबा कह रहे वो अवस्था आगे कंटिन्यू नहीं होती है। वो उसमें कहीं ना कहीं जैसे आदि से फिर मध्य में आए तो अंतर आ जाता है। तो वो अंतर क्यों आता है उसके बाबा हमको पांच कारण बता रहे हैं। वो पांच कारण हैं। एक तो हद की पोजीशन में आ जाते हैं, या तो हद की पोजीशन में आ गए, या साथ वालों की, जो संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं हैं, सर्विस साथियों का ऑपोजिशन करने लग जाते हैं, या किसी स्कूल सैल्वेशन के पीछे लग जाते हैं, वो लेने में लग जाते हैं, क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं, या पांचवा बाबा ने कहा दूसरे की कोटेशन देने लग पड़ते हैं। तो ये पांच जो कारण हैं उसकी वजह से उल्टा मार्ग अपना लेते हैं या व्यर्थ मार्ग की तरफ चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से अवस्था जो है वो डाउन हो जाती है, और वो प्राप्ति अनुभव नहीं होती, वो खुशी अनुभव नहीं होती जो शुरू में अनुभव की। तो बाबा हमको एक ही लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि सदा तपस्वी बन करके अपने
अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। मतलब बाबा कह रहे हैं कि पोजीशन अगर हम देखें, जैसे कोई हद की पोजीशन में के पीछे कि मैं तो ये हूँ, मैं तो फलाना हूँ, या मैं तो त्यागी हूँ, या मैं तो धन से कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ, ऐसे कई प्रकार के, जैसे पूरा अंदर से आत्मा की सफाई तो हुई नहीं है, तो वो सूक्ष्म विकार जो है वो फिर यहाँ अपना रूप दिखाने लगते हैं। तो वो जो यहाँ जो थोड़ी बहुत जो एक कहेंगे शुरू में जो प्राप्तियां हुई, या जैसे थोड़ा धन से कंट्रीब्यूट कर दिया, या थोड़ा सेवा में कुछ सहयोग दे दिया, इस तरह से कुछ भी किया, तो उसकी वजह से नशा हो जाता है उस चीज का। तो बाबा कह रहे हैं कि वो जो नशा है उसको छोड़कर एक पोजीशन, सर्वस्व त्यागी और सदा तपस्वी बन करके, अर्थात तपस्वी अर्थात कौन, दृढ़ता और त्याग, ये दो तपस्वी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन जो है वो ये हद के नशे वाला जीवन नहीं है, वो त्याग तपस्या का जीवन है। तो सर्वस्व त्यागी का पोजीशन जो है वो धारण करना है। उल्टे पोजीशन को पकड़ेंगे तो उल्टे मार्ग अर्थात व्यर्थ मार्ग पर चल पड़ेंगे। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि जो जैसे किसी का स्थूल साल्वेशन, स्थूल सैल्वेशन में बाबा कह रहे कि जैसे कई बार सेवा भी सैल्वेशन के आधार पर करने लग जाते हैं कि हमारा नाम हो, या हमारा नाम लिया जाए, या ऐसे कोई स्थूल साधन हमको मिले तो हम सेवा करेंगे। और वो साधन भी कोई सेवा के लिए नहीं कि सेवा इजी हो जाए, लेकिन अपने सुख के लिए उसको यूज करने के लिए, स्वार्थ के लिए। जैसा कि आज वरदान में भी बाबा ने कहा कि अगर स्वार्थ होगा तो कहीं ना कहीं लगाव होगा और न्यारा नहीं हो सकेंगे। अर्थात वो जो अतींद्रिय सुख की अवस्था है, वो जो बिल्कुल जो ब्लिस की या सेवा से जो यथार्थ प्राप्ति की अवस्था है, वो नहीं महसूस कर सकेंगे। तो यहाँ भी बाबा इसी बात पर इशारा दे रहे हैं कि उन्नति का अनुभव नहीं होगा अगर सैल्वेशन की तरफ भागेंगे। तो ब्राह्मण जीवन जो है वो त्याग का जीवन है। फिर दूसरा बाबा ने जो एक और जो पॉइंट बाबा ने ऑपोजिशन का कहा था, तो ऑपोजिशन बाबा ने कहा कि ऑपोजिशन साथियों से नहीं है, ऑपोजिशन माया से है, ऑपोजिशन पुराने संस्कार स्वभाव से है। तो हमें ये देखना है कि कहीं भी हमारे मन में क्यों, क्या, कैसे, या किसी अन्य आत्मा के प्रति कोई प्रश्न या विपरीत भाव आता है, तो हमें हमेशा अपने आप की चेकिंग करनी है कि यहाँ मैं अपने आप को कैसे चेंज करूं, या माया मुझे उस आत्मा के साथ संस्कार मिलाने में कहाँ इंटरफियर कर रही है, तब हम अपने अंदर चेंज कर सकेंगे। अगर हम दूसरे की कमी कमजोरी को देखने लग जाएंगे, तो इसको बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ये अपने हाथ में लौ उठाने जैसा है। तो ये काम हमको नहीं करना है, हमको अपनी कमियों को पहचान कर और उनको दूर करते चलना है, तभी हम विजयी बन सकेंगे। तो बाबा ने इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई कि एक तो ऐसा करने से सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गवा देते हैं, अर्थात अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं, और माया से ऑपोजिशन करने में, आपस में ऑपोजिशन करने के कारण माया से ऑपोजिशन करने में कमजोर बन जाते हैं। तो ज्ञान और योग दोनों से अलग दिशा में जाने से विजयी नहीं बन पाते हैं। फिर तीसरा जो बाबा ने सॉरी फोर्थ पॉइंट जो बाबा ने बोला था, क्वेश्चन और करेक्शन। तो क्वेश्चन और करेक्शन में बाबा कह रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन कोई भी बात में अगर हम क्वेश्चन करते हैं या करेक्शन करने लग पड़ते हैं, अर्थात जैसे हमको कुछ करना है, मतलब श्रीमत अनुसार कुछ हमारे हमारे लिए कोई प्रॉपर कंडक्ट है, लेकिन वहां पर हम फिर बाप दादा का ही करेक्शन करने लगेंगे कि उस महारथी को तो आपने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी थी। अब इसमें बाबा एक बहुत सूक्ष्म बात हमें बता रहे हैं कि समय और सरकमस्टांस अनुसार, हर आत्मा की नीड के अनुसार, उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बाबा श्रीमत देते हैं कई बार। तो हमें इस बात को परखना है कि हमारे लिए बाबा की कौन सी श्रीमत है, और उस पर हमें चलना है, न कि केवल उस पर स्टाम्प लगा देनी है कि बाप दादा ने ये कहा है तो बस ये करना है, शब्द को नहीं पकड़ना है, लेकिन उसके अर्थ को पकड़ना है कि बाबा हमें कौन सी स्थिति में स्थित करना चाहते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो ये अलबेलेपन की भूलें हैं, तो बाबा कह रहे हैं ये एक भूल से अनेक भूलें बढ़ती जाती हैं। फिर आगे बाबा एक और बात की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अपनी करेक्शन जो है उसके बजाय दूसरों की करेक्शन करने लगते हैं और इसके कारण उलझते रहते हैं। तो बाबा कह रहे कि जो बाबा ने शुरू से ही कहा है हम लोगों को कि पर चिंतन जो है वो पतन का कारण बनता है, तो हमें पर चिंतन से बहुत सावधानी से बचना है। और पर चिंतन जो है ये सूक्ष्म अहंकार का एक तरह से वो है, इंडिकेटर है। ये हमें समझना है बहुत सावधानी से कि ये हमको नीचे लेकर जाएगा, दूसरों को देखने से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ने वाले। तो बाबा कह रहे हैं कि इन सारे पॉइंट्स के आधार पर अगर कहीं हमें रुकावट आ रही है तो हम इन पांचों पॉइंट्स के आधार पर अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि कहाँ हमसे गलती हो रही है और वहीं उसको चेंज करना है, तो फिर हम चढ़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। तो बाबा कह रहे कि जैसे ये समय बर्बाद होता है ना, अगर हम कोई भी ऐसा उल्टा मार्ग पकड़ लेते हैं, तो मार्ग है, उसमें जितना आगे गए हैं फिर उतना पीछे आकर फिर सही मार्ग पर जाना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये उल्टा मार्ग लेना ही नहीं है, उतना समय बर्बाद नहीं करना है, और अपनी स्थिति, अतींद्रिय सुख की स्थिति और विश्व कल्याण के कार्य में अपना समय सफल करना है। ओम शांति। थैंक यू रश्मि बहन, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर हुए। आंचल बहन, आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहते हैं? ओम शांति। जैसा कि हमने सेशन के शुरुआत में इस प्रश्न पर इंट्रोस्पेक्शन किया कि हमें खुशी किस बात की है, तो वो खुशी हमेशा कायम रहे, इसमें आज की मुरली हमें बहुत हेल्प कर सकती है। क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने हमें एक तरह से गैप एनालिसिस फ्रेमवर्क दिया है, यानी कि जैसे रश्मि बहन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हम बस ये ऐड करना चाहेंगे कि इस मुरली को हम लंबे समय तक याद कैसे रख सकते हैं। तो हम इसमें अपने ब्राह्मण जीवन को दो स्तर पर देख सकते हैं, एक तो डे टू डे पिक्चर यानी शॉर्ट टर्म में, और दूसरा है लॉन्ग टर्म पिक्चर यानी बिग पिक्चर, बड़े स्तर पर, जब से हमने ज्ञान को समझा उस समय से लेकर अब तक। तो शॉर्ट टर्म में जो बाबा ने फुलवारी की एनालॉजी यूज की वो हमें बहुत मदद कर सकती है। जैसे दिल में फूल में मुख्यतः हम तीन चीजें देखते हैं, रंग, रूप और खुशबू। तो दिन में जब भी हमें लगे कि जो बैटरी की चार्जिंग है वो थोड़ी लो की तरफ जा रही है, तो हम अपने आप को फूल समझ लें और फिर अपने आप से तीन प्रश्न पूछें कि क्या मुझ फूल के रंग में बाप के संग का रंग दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा प्रश्न पूछे कि क्या मुझ फूल के रूप से, चेहरे से रूहानी नशा सबको झलकता है। और तीसरा प्रश्न पूछे कि क्या मुझ फूल की जो खुशबू है उसमें रूहानियत है। तो इस तरह से हम शॉर्ट टर्म में यानी डे टू डे, दिन प्रतिदिन जो हमारी स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं और खुशी को कायम रख सकते हैं। और जो दूसरा है ऑब्जर्वेशन यानी दूसरी जो चीज बाबा ने बताई लॉन्ग टर्म में, जो आज की मुरली का सेंट्रल आइडिया है कि जब परिचय मिलता है तो खुशी का ठिकाना नहीं होता और ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, पर धीरे धीरे जो वो खुशी है वो थोड़ी डाइल्यूट होने लग जाती है। हालांकि ज्ञान और गुह्य हो रहा है, समय भी समीप आ रहा है, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो रहे हैं, फिर भी हम अपने आप से प्रश्न पूछने लग जाते हैं कि जो पहले जो स्पार्क था वो जो पहले वाली बात थी वो अब नजर नहीं आती। तो उसके लिए बाबा ने आज इस मुरली में पांच शब्दों के आधार पर फ्रेमवर्क हमारे लिए बताया है। इसको हम याद रखने के लिए ये कर सकते हैं कि अपनी डायरी पे दो लाइन लगाएं पेज पे, और फिर इस तरह लाइन लगाएं कि वो तीन कॉलम बन जाए, और एक तरफ एक कॉलम में तो लिखें कि किस आधार पर हमें चेकिंग करनी है, जैसे पोजीशन, अपोजिशन, सेल्वेशन, करेक्शन और कोटेशन। ये पांच, इनफैक्ट एक और ऐड कर सकते हैं क्वेश्चन, तो छह आधार पर हमें चेकिंग करनी है। फिर दूसरे कॉलम में हमें लिखना है कि बाबा ने क्या क्या कहा है इनसे, और तीसरे में हमें लिखना है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं
कि ये शब्द अपने आप में सही है, पर हम इन्हें उल्टे तौर पर ले लेते हैं। तो बाबा ने क्या कहा है और हम क्या करते हैं, इससे हमें क्लैरिटी आएगी कि कहाँ गड़बड़ हो जाती है। और अंत में बाबा ने कहा कि अभी मेले का अंत है, तो अंतिम आहुति डालनी है। अंतिम आहुति माना सदा काल के लिए समर्थ बनना, यानी अभी फाइनल टच देने का समय है, अब पूरी ताकत लगा देने का समय है। जैसे रेस में जो लास्ट तक जोश बनाए रखता है वही जीतता है, तो ऐसे ही इस हमारी यात्रा में भी हमें अंत तक जोश बनाए रखना होगा। और अंत में बाबा याद प्यार देते हैं कि तो ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। बहुत ही अच्छा, काफी अच्छा है ये तरीका। कॉन्ट्रास्ट वाला तरीका बहुत अच्छा था कि बाबा ने जो शब्द बताए हैं हम कैसे यूज करते हैं और बाबा क्या चाहते हैं कि हम कैसे यूज करें। तो ये बहुत अच्छा होम असाइनमेंट जैसा हो गया, तो हम ऐसे जो भी चाहे घर पे इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं।